बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो डाटा एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की उसमें आज एपिसोड 3 है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज को SPSS के थ्रू APA 7 में कैसे कंप्यूट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी रिपोर्टिंग देखेंगे, APA 7 के अकॉर्डिंगली उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ये पाथ दिए हुए एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे जब आप मेन्यू बार पे जाएंगे तो एनालाइज, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज पे, फ्रीक्वेंसीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रीक्वेंसीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फ्रीक्वेंसीज का, इसमें ये देखें वेरिएबल्स लिखा हुआ है। जस्ट हमने यहाँ से डबल क्लिक करके जेंडर, रेजिडेंसी, एजुकेशन और फैमिली सिस्टम को इसमें एंटर किया और यहाँ से जो है हमने क्या किया, ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे हम तो हमारे पास आउटपुट विंडो में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं SPSS के थ्रू। ये एनालाइज पे गए, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज पे हमने एक जेंडर लिया था, इस पर डबल क्लिक किया, उसके बाद रेजिडेंसी पे डबल क्लिक किया, उसके बाद एजुकेशन पे और फिर फैमिली सिस्टम। जस्ट ओके करेंगे तो इसके रिजल्ट्स ये आउटपुट आ गए, जस्ट इन पॉइंट एंड क्लिक, ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए। जेंडर, रेजिडेंसी, एजुकेशन एंड फैमिली सिस्टम की ये फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया हमारे पास। इसमें से कौन सी वैल्यू APA के लिए, ये हमारे पास आउटपुट आ गई फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज की। इसमें से ये हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे APA 7 के अकॉर्डिंगली टेबल्स बनाने के लिए, और डिस्क्रिप्शन ये इसकी जेंडर, इसकी सब कैटेगरीज और इसकी ये फ्रीक्वेंसी परसेंटेजेस, और फिर इसकी रेजिडेंसी की, एजुकेशन की, ये रिलेटेड फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। अब इसको देखें टेबल में, ये इस तरह से टेबल बनेगा। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने N यूज़ किया है, सब ग्रुप है क्योंकि ये परसेंटेज के लिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जस्ट आपने इधर से देख के इधर लिख देना है, ये मेल फीमेल यानी ये मैन वीमेन हमने लिखा है क्योंकि APA में मेल फीमेल जो है वो अलाउ नहीं है, तो हमने मैन वीमेन या बॉयज गर्ल्स लिखते हैं, तो ये मैन वीमेन इनकी एज रेंज ये थी, तो ये मैन वीमेन लिखा। ये फ्रीक्वेंसी के लिए ये N और ये इनकी 85115, ये इनकी परसेंटेज लिख दी इस तरह से। फिर ये सेकेंड का लिख लिया, फिर ये थर्ड का, फिर ये फोर्थ का। और ये जब लिख लिया, इसमें करना ये है आपने कि ये आपने ये गौर से देखें आप कि ये यहाँ पे परसेंटेज, इसका जो टेबल नंबर है वो बोल्ड में है, लेफ्ट लाइन है, उसके बाद टेबल टाइटल जो है ये इटैलिक में है, लेफ्ट लाइन है, और इसके एंड पे और टेबल नंबर के एंड पे और टेबल टाइटल के एंड पे पीरियड यानी फुल स्टॉप नहीं होता, और ये टेबल जो टाइटल है ये टाइटल केस में होता है यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, ये स्मॉल एन है जो इटैलिक में है जो सब ग्रुप्स को इंडिकेट करता है, ये जेंडर और जेंडर के बाद ये लेफ्ट इंडेंट से थोड़ा सा इसको 2 सेंटीमीटर आगे हमने मूव किया ताकि ये इससे स्प्लिट हो सके और पता चले कि ये मेन ग्रुप है रेजिडेंस और ये इसके सब ग्रुप एजुकेशन। इस तरह ये सब की फ्रिक्वेंसीज लिखी और आगे उनकी परसेंटेजेस लिखी। इसको डिस्क्राइब ऐसे किया, टेबल वन रिवीज दैट ग्रेटर नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेंट्स, ये देखें 115 पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, वीमेन पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेटेड इन द स्टडी कंपेयर टू मैन पार्टिसिपेंट्स, ये 85 थे। सिमिलरली हमने ये लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू अर्बन, ये हमने लिखा। फिर लिटरेट, इलिटरेट, इसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो ये एन इज इक्वल टू 115 और कॉमा और उसके बाद ये परसेंटेज साथ ही लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमने सबको, इनकी फ्रीक्वेंसीज को और इनकी परसेंटेजेस को डिस्क्राइब कर लिया। हायर टू लोअर डिस्क्राइब करते हैं यानी जिसकी ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी उसको पहले मेंशन करते हैं, जिसकी जैसे इसमें 115 को पहले किया और फिर 85 को किया। इस तरह हमने तमाम सब ग्रुप्स की जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थी उसको डिस्क्राइब कर लिया। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और वेरिएबल और उनके सब ग्रुप्स हैं ये लेफ्ट लाइन होंगे, और ये जो N है और ये परसेंटेज है ये सेंटर टेक्स्ट होंगे। डिस्क्रिप्शन डबल लाइन स्पेसिंग और लेफ्ट लाइन होगी। और एक बात आपने याद रखनी है, APA 6 तक लोग यहाँ पे F भी लिख देते थे फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन अब APA 7 के जो टेबल का
हमारे पास सैंपल है, स्पेसिमम है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्मॉल एन आएगा जो सब ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। उम्मीद है आपको जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसे फॉर्मेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। ये देखें, ये जो है इसका जो एंड आउटपुट ये होगी जो लास्ट में टेबल आपके सामने आएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन एपीए के अकॉर्डिंगली एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे वो इस तरह से होगा। उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा होगा, आप इसको करके देखें, ये बहुत सिंपल ईजी है और जब आप इसको एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्किलफुल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अगर हमारा लेक्चर और जो है आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर कहें ताकि उनको भी सब्सक्राइब कर लें और उनको भी इससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।